घटनाक्रम होया बाबा रणजीत सिंह ढड्डियों वाले उत्ते समूह वालों गोलियां चलाई गई तो हूँ तुम बाबा जी मिल के आए हो तुहाडा की विचार उन्होंने नाल होया उन्होंने इस बार की दस्सिया उन्होंने ये मतलब देखो जिहड़ा ये होया जी बहुत दुखदायक जिहड़ी घटना है जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने बाणी च कहा जे को बोलिया सच कूड़ा जल जावे जो तत् की गल करते हैं गुरमत की गल करते हैं तो जिहड़े लोग धर्म के नाते लोगों को गुमराह करने वाले ने हुण तक लुटते रहे अपनी दुकाना चलाते रहे उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ होंदी है और ये जिहड़ा अजे शक के घेरे दे विच काफ़ी बंदे हैगे ने भाई साहब होरां नाल भी रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले नाल भी यही गल हुई है मतलब समुची जिहड़ी प्रचारक टीम है भावें वह परमेश्वर द्वार मिशन हैगा जां फिर भाई पंथप्रीत सिंह खालसा जिहड़े मुख सेवादार ने गुरमत सेवादार ने असीं सारे फील करते हैं भी असीं आप किसी का नाम ना लईए बिल्कुल ठीक है क्योंकि सानू फाइनल नहीं है वो इन्होंने खुद जिहड़ियां गड्डियां आईयां ने कैमरियां दे विच सीसीटीवी कैमरियां च अज कल आ जाने वो गड्डियां किन्हां दीआं ने किन्हां दे नां ते बोलदीआं ने वो मतलब सारा कुछ जिहड़ा सरकार प्रशासन वो सारा संगत दे सामने जिहड़ा लैके आ एक होर गल है कि पहले जिदा कोई घटनावां होईआं सी कौम दे नाल उहदा कोई रिजल्ट नहीं आया हाँ जी प्रशासन वालों भी सरकार वालों भी तो हुण कोई इस तरह दबाव पाया जा सकदा कि ते इह वी गल दबी ना रह जाए गुरु साहब बख्शिश करन भी ये सारी संगत जिवें हुण पूरी दुनिया दे विच सिख जिहड़ा जागरूक हो चुके हैं तो इस मसले दे उत्ते क्योंकि देखो जे असीं गुरुआं दे नां ते वसण वाले पंजाब दे विच सिक्खी दी गल करन जा रहे हैं और भाई साहब होरां दे नाल तकरीबन मेरे ख्याल चार पांच गड्डियां होंदियां हर बार उन्होंने आप भी स्टेज तो यह गल कही आ कि जे मैं जिहड़ा बंदा पांच गड्डियां दे नाल असीं जाने आ मतलब सुचजे ढंग नाल तां जिहड़े साडे प्रचार कल्ले कल्ले जाके उत्थे प्रचार कर रहे उन्होंने लई ये बड़ा खतरनाक काम जिहड़ा शुरू करता सो मैनू लगता जिवें संगत जागरूक है सारे भैण भरा असीं सुचजे ढंग नाल सारे मतभेद भुला के जे किसी कोई लगता है वैसे तो एक बाणी एक गुर एको शब्द विचार साडा गुरु एक है साडी सिख रहत मर्यादा एक है साडा धर्म का प्यो एक है धर्म की माँ एक है असी एक थां दे जम्मे पले हाँ तो असी सारे एक हाँ तो इस एकता दे अगे जिहड़ा है ये सरकारां नूं झुकना पैणा है तो ये इदा परदा पाना मुश्किल हो जाने क्योंकि सोशल मीडिया का युग है तुसीं हुण चैनल राही सारी गलबात जा रही है तो मैं लगता चाहुंदे हां भी ना पा सकणगे परदा एक होर बड़ी वड्डी गल होई है कि साढ़े धर्म की जिहड़ी एक लंगर मर्यादा सी कितने ना कितने छबील ला के जो उन्होंने ढंग अपनाया सी उहदे उत्ते भी किसी ना किसी हमला होया बिल्कुल जी गुरु साहब ने बाणी दे विच बख्शिश की है पहला पाणी जीओ है जित हरिया सब कोई और वो लोग जिहड़े ने उस पाणी नूं उस छबील नूं मतलब वरत रहे ने एक दरवेश बंदे जिहड़े गुरु की गल करन वास्ते सवेर तो लैके शाम तक निकलते हैं तो वो उन्हां नूं टारगेट करन दे लई छबील की वरतों कर रहे हैं और वो बंदे जिहड़े मतलब बहुत बड़े दावे करते हैं वो उन्हां दा सच जिहड़ा कुछ गल्लां होंदियां जिहड़े समें दे गर्भ दे विच ने वो सारा सामने आ जाणा है जिहड़े बहुत बड़ियां बड़ियां गल्लां करदे ने कि असीं दुनिया दे पवित्र बंदे हाँ सिखी साडे सिरां ते खड़ी है ये जिहड़ा सारा कुछ पता लग जाणा भी वो छबील नूं गुरु साहिब दीआं परंपरावां नूं मर्यादावां नूं आप किवें ढाल आ रहे ने हाँ जी सिख कौम दे नुमाइंदे होण दे नाते भी वो एक तुसीं अपने जिहड़ी संगत है उन्हां दीआं भावनां इस टाइम बहुत भड़कियां जिहीआं लगदियां ने संगत नूं तो मैं बेनती करांगा अथवा कि वैसे गुरु साहब की बख्शिश है कि मैं लगता है भी सिख जिन्ना ठंडा कोई भी नहीं है क्योंकि पुराने समय तो साडे नाल अज तक धक्के हुए ने असी कदे भी किसी ते वादा नहीं किया इदा नहीं किया तो गुरु साहब साडे ते बख्शिश करते हैं अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे असी सरबत का भला मंगण वाले लोग हाँ साडे बजुर्ग तो दुश्मनों नूं पानी पिला के उन्हां ते मलम पट्टी करते रहे तो असी सारी संगत ने जिवें हुण तक देखो परसों रात होया तो ये घटना होने तो बाद कदे किसी मतलब कोई भन्न तोड़ कोई इदा का कुछ नहीं होया जो कि दूजे होर लोग जोड़े वो इदा का कुछ करते हैं सो मैं संगत को यह बेनती करा हाथ बन के भी आपस में मान लो किसी एक बंदे ने दो दस जिन्या ने भी यह गलत काम किया तो वो असी आपस में नहीं खेबड़ना भरा मारू जंग है जी वो नहीं शुरू करनी असी गुरु का वोट आसरा लैके चलना है तो सच का सच झूठ का झूठ जोड़ा वो सामने आ जाना चाहिए गुरु साहब बख्शिश का बहुत बहुत धन्यवाद जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू।